Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from MaaRula Classes. और कैसे बच्चों, अब तो बिल्कुल लास्ट में आ गए, बैटल बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन ब्लिंक होते हैं और पता चल जाता है कि निमसेट के फॉर्म की तारीख और निमसेट का एग्ज़ाम कब है, तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती, उनकी नेचुरली ज़्यादा बढ़ जाती कि जो सोच रहे हैं कि अगली बार मुझे किसी न किसी कॉलेज या NIT में जाना है। तो ये नेचुरल सी बात है। अब इन महीनों को कैसे टाइम पास कर दिया जाए या यूटिलाइज़ कर लिया जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने जब खुद तैयारी की और जब मैंने खुद पढ़ाया है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे मिरेकल होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो वाकई में पढ़ने में अच्छे हों लास्ट में अच्छा कर पाएँ, ऐसा ना हो जाए। काश, तो ये काश वर्ड जो है एग्ज़ाम के जस्ट बाद आता है, उस वर्ड से बचने के लिए अब आपको ध्यान देना होगा कि वाकई में आप सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, रियल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अभी भी आपके पास पूरा चांस है, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल पूरा चांस है जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आज अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से मेरी बात अगर आप पहुँच पा रही है, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी सीरियसली ले लिया तो मुझे लग रहा है कि बस चेंज हो सकता है। वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, वो ड्रीम में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों से ऑब्जर्व किया है, इवन मैंने अपने आप को भी देखा है कि लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी और लास्ट टाइम के टाइम और आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी आप अगर देखिए, अगर सपोज़ कि कहीं पर भी हो, किसी भी आप कोचिंग में हो, किसी भी कस्बे में हो, कहीं पर भी अपने कॉलेज में सर्वे कीजिए कि अगर जितने फॉर्म भरने वाले बच्चे क्या वाकई में सीरियस हैं। अगर वो देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप कॉलेज लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, नोटिफिकेशन आने से पहले बहुत लोग सोचते हैं और भरते हैं, और लास्ट में कितने लोग सीरियस हैं। अगर आपने 100 पे सर्वे किया, उसमें कुछ ही लोग, 4-5 लोग ही सीरियस हैं, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। यानी 75% ऐसे लोग हैं जो वाकई में भीड़ है। बचे जो लोग हैं उनका अब एटीट्यूड मैटर करता है, उनका मोरल मैटर करता है, और लास्ट तक जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएगा और अपने ऊपर भरोसा रखेगा वही सही डायरेक्शन में और सही दिशा में होगा। तो तुम्हें फोकस करना है, अब तुम्हें अपने टाइम को बिल्कुल बचाना है। सपोज़ जैसे कि कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के आप एक दिन पहले तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप फुली फोकस्ड होते हैं और सोचते हैं कि एक दिन और मिल जाए। यानी वो एक दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर उस 1 और 2 दिन की जिस तरीके से सीरियसली आप ले पाते हैं, वही अगर ये 3 महीनों को आप वही एक दिन में कन्वर्ट कर दें, उसी दिन की तरह से आप ये 3 महीने जिए, तो मुझे लगता है कि माय गॉड अगर ये सोच रहे ना और ये कर दिया तो रॉकिंग होगा। बस करना क्या है कि अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, कुछ भी मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहली बात, आप जिस मीडियम से मेरी बात सुन रहे हैं उसी मीडियम पे हम लोगों ने इतना प्रयास किया है कि अगर आप सर्च करेंगे तो बेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, रैंक कैसे डिसाइड होती है, निमसेट सक्सेस मंत्रा। अगर हाँ, टेस्ट सीरीज़ की बात आई, अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अगर आपको नहीं पता तो मारुला क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट www.maarulaonlinetest.com पे जाके आप रजिस्टर करिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखी गई है कि अगर आप किसी कोचिंग, किसी मेंटर या बिल्कुल भी फाइनेंशियली कंडीशन आपकी सही नहीं है तो आप जाके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पर भी ज्वाइन करें, ज़रूरी नहीं कि आप इसी टेस्ट सीरीज़ को दीजिए, अगर दे रहे हैं तो उसको भी अच्छे से दीजिए। उद्देश्य यही है कि अगर आप कोई चीज़ भी अच्छे से करेंगे, टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स, बुक्स भी आपके पास हो तो आप बुक्स पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फोकस करिए। ऐसा पढ़िए कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल आ गए, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना है। मारुला क्लासेस की जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप उन पर देखिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन और बात करना, ये ऐसी पॉजिटिव बात हो जिससे कि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे हज़ारों सेशंस ले सकता हूँ। थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो अगर थोड़ा सा भी चेंजेस इस वीडियो से, इस बात से आया, थोड़ा सा भी आपने अपने कमिटमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और रियल में ये बात समझे कि अगर अभी से अगर आपने सही से नॉक कर दिया तो फिर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ये हेडेक नहीं है कि आप छोटे से रूम में रह रहे हैं, खाने के लिए परेशान हैं, दूर रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं। ठीक, एक बड़ा कैंपस होगा, अच्छा खासा कैंपस होगा, अपनी आप चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे और एक लैब होगी आपके पास, लाइब्रेरी होगी। आप हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, लाइफ इन द सेंस समर जाए, सज जाए और जो आप सोच रहे हो वो निकल के आ जाए। तो एक ऐसी दुनिया वेट कर रही है। वो NIMCET एक चांस है, डर नहीं है। एग्ज़ाम एक चांस है। तो सोचो कि यार मुझे एग्ज़ाम देना है और उस चांस को अपने लिए कैश करना है, तो आप बस लग जाइए और वो आपके साथ होगा, अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।